जबरदस्ती बैठा दिया ये मंदिर इधर हो जावाले सारे हम कांग्रेस 150 गुंडा खड़ा बाहर 200 बंदा है। ये देखो ये बंदा देखो जी वोट भी नहीं है जा रहा है ये बंदा दिखाओ जी ये बंदा इसकी वोट भी नहीं है जा रहा जी भागे ये हाथ पे निशान लगा के देखो जी रुकना जी एक मिनट रुकना जी ब्रदर अंदर गया हां जी तुसी अंदरों आए हो कह रहे तुम्हारी वोट भी नहीं है ओए मारी जंदे ने देखो हां देखो आ देखो जी गुरविंदर सिंह सन ऑफ तरलोक सिंह 121 नंबर हाउस ठीक है जी ग्रीन सिटी फेस 1 नीलपुर चेक कर लो जल्दी वोट दे ओ क्यों गए 121 पता नहीं दिमाग खराब है यार इतने जोड़े है पार्टिया वाले आम आदमी पार्टी की गल की जाए भाजपा की जोड़े है कैंडिडेट वो सीधे तौर पर कांग्रेस से इल्जाम लगा रहे हैं इतने कहते हैं कि हाँ जी सर पै रही हम कुछ पता लग नहीं रहा क्या हो रहा जितने वोट पा चाहिए साढ़िया वोटा वोटा है नहीं कोई पहला पा जाता कोई पिछले पा जाता जी हूँ क्या कर सकते जी तमाम जो लोग इतने वोट पा आ रहे हैं वह भी और जो आम आदमी पार्टी के और भाजपा के जो कैंडिडेट ने भी सरेआम कांग्रेस से जो है इस वे इल्जाम लाते हुए दिस रहे हैं कहते हैं कि जाली वोटिंग हो रही हैगी और पुलिस प्रशासन जो है वो इस वे कहते हैं कांग्रेस वाले कुछ नहीं कह रहा गलबात करने की कोशिश अंदर भी करेंगे इस वे तस्वीर दिखा रहे हैं बूथ नंबर 40 वार्ड नंबर 17 है राजपुरा का सरेआम आरोप लगाए जा रहे हैं हाँ सर आरोप ला रहे हैं तो जी वीर जी तुम इतने ही हो घंटा हो गया तुम देख लो मैं अभी बाहर से अंदर मैं 4 बार बेनती कर चुके हैं भी इन्होंने दूर करो एक यह ने एक सिलेंडर वाले ने अंदर वड़ जाने पर्ची लै लैके अरे प्रचार कर रहे कैंडिडेट कहते उन्होंने हाथ पाई भीर जी तुम भी इतने बयान देख रहे हो अपनी अखा देख रहे हो वार्ड च गए सॉरी अगर तुम नहीं सके पर तुम इतों जिन्हें बंद हैं सबन पुछो मैं बिल्कुल उत्थे बाहर खड़ा यह बंद 4 बार मैं 4 बार ऑब्जेक्शन कराया कि इतने क्यों आ रहे हैं इतने प्रचार भी कर रहे हैं तो उन्होंने हाथ जोड़ के उन्हें पर्ची लैके अंदर जा रहे हैं मैं 4 बार कंप्लेट की इस गल की मैं क्यों बाहर हाँ कि साढ़े इल्जाम इन्होंने हारना है इन्हों का मतलब पता की है कि दूजे पांडा सिर तक ठीकरा भन दो इन्होंने पहला कहना भी वो धक्का कर रहे हैं मैं इसलिए बाहर खड़ा सवेर तो लेके सारे कैंडिडेट इतने मौजूद ने कांग्रेस के जो कैंडिडेट ने उन्होंने बेटे ने और झूठ गल है सवेर के इतने ही ने इतों कमरे तो हिल भी नहीं रहे बार बार इन्होंने 10-10 बंदे आते हैं उन्होंने कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कोई 10 सामने अगर 10 बंदे आते हैं तो तुम इतराज करो इतराज क्यों नहीं करते कोई इतने एक भी बंदा बाहर नहीं है तुम बाहर कैमरा लेके कह रहे हैं इन्होंने खड़ा जनानिया हाथ चक रहा इन्होंने बंदा प्रशासन गल कर लेने सर तमाम कैंडिडेट आपस इतने उलझ रहे हैं कि इतने जो है कई कह रहे कैप्चरिंग की जा रही है कोई कहते हैं जाली वोटिंग हो रही है नहीं कोई जाली वोटिंग नहीं हुई कोई कैप्चरिंग हुई माहौल गर्म बनिया हुआ है आम आदमी पार्टी के और भाजपा के जो है और आजाद उम्मीदवार भी जो है कांग्रेस लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इतने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हो रही है या फिर जाली वोटिंग कर रही है लगातार सवेर तो इल्जाम लग रहे हैं माहौल काफ़ी गरमाया से कुछ समय पहला तो इस वे हूँ भी तस्वीर इतों देख रहे हो हजे भी इतने तस्वीर लगातार वर्ल्ड पंजाबी टीवी तुम दिखा रहा है शांतमय इलैक्शन करवाने का दावा कितना कि खोखला दिखाई दे रहा है सरेआम तो लगातार हर तस्वीर अभी तुम दिखा देना हूँ इतने भी तुम देख सकते हो तस्वीर लगातार कैंडिडेट आपस उलझ रहे हैं तो पुलिस प्रशासन हूँ इतने जो है पुजिया है तो म जो सुलझाण की मामला सुलझाने की कोशिश की जा रही है मामले को शांतमय करने की कोशिश आजाद कितने गई है दवाई लैन चली गई
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਭਜ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਟੇਜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੱਥ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਆ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਰਿਟਰਨ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੁਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੋਹਲੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਰਾਜਪੁਰਾ।